गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे वी विल स्टार्ट आर न्यू चैप्टर एनिमल फाइबर्स। फाइबर्स मीन्स धागा, यानी जो फाइबर्स हमें एनिमल से ऑब्टेन होते हैं, जैसे कि वुल है, सिल्क है। वुल अपने को शिप, गोट या अल्पका, लामा, इनसे ऑब्टेन होती है। सिल्क अपने को सिल्क वर्म के कीड़े से मिलता है। इस तरह से अपने ने पिछले साल पढ़ा था प्लांट फाइबर। प्लांट फाइबर अपने को कॉटन और जूट से मिलता था। तो बहुत साल पहले ह्यूमन बींग्स है वो लीव्स यानी पेड़ों की पत्तियाँ, बार्क ऑफ ट्रीज यानी पेड़ों की जो छाल होती थी वो स्टेम के ऊपर से, एनिमल्स की स्किन है उनका यूज़ अपनी बॉडी को कवर करने के लिए करता था। उसके बाद उसने वीविंग कार्ड सीखा। वीविंग का मतलब होता है कपड़ों को बुनने का। तो उसने क्या किया कि वीविंग कार्ड सीखा, कपड़े बुनना सीखा और कपड़े बनाना शुरू कर दिया। क्लोथ्स हैं, आप लोगों को पता है, गर्मी से, सर्दी से, बरसात से, डस्ट, इंसेक्ट, इनसे बचाने का काम करते हैं। क्लोथ्स हैं, क्लीन होने चाहिए, कंफर्टेबल होने चाहिए, क्लीन होने चाहिए, कंफर्टेबल होने चाहिए। डर्टी क्लोथ्स है वो, मतलब उसके ऊपर जर्म्स ब्रीड कर जाते हैं जिसके कारण से अपने को स्किन से रिलेटेड डिजीज हो जाती हैं। इसके अलावा सॉक्स हैं, शूज़ हैं, जो अपने पैरों को क्या करते हैं, प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं जर्म्स से, कोल्ड से, हीट से, कट से। ब्लाइस्टर्स यानी होते हैं छाले, जो अपने मतलब सॉक्स और शूज़ पहनते हैं। तो अगर आप कपड़े, अगर आप सॉक्स और शूज़ ना पहनो तो अगर आप नंगे पैर चलोगे तो आपके ऊपर जर्म्स का अटैक। सर्दी है तो पैर ठंडे, गर्मी आया तो गर्म, कोई मतलब तीखी चीज़ पड़ी है तो कट, प्लास्टर्स, बहुत ज़्यादा गर्म ज़मीन है तो छाले पड़ने का खतरा रहता है। अपने शूज़ हैं वो बिल्कुल फिट होने चाहिए, फिट वेल मतलब बिल्कुल फिट होने चाहिए और कम्फर्टेबल होने चाहिए। कभी भी अपने को वेट सॉक्स और वेट क्लोथ्स हैं, वेट सॉक्स और वेट क्लोथ्स का मतलब हो गया गीली जुराबे और गीले जूते हैं वो अपने को नहीं पहनने चाहिए। अपने अब एक क्लाइमेट एंड क्लोथ्स। क्लाइमेट का मींस क्या होता है? क्लाइमेट का मींस होता है जो अपना वो है, मतलब जलवायु कैसी है, अपना मौसम कैसा है। देखो वेदर अलग बात होती है और क्लाइमेट अलग बात होती है। आप इसी साल पढ़ोगे वेदर का मतलब होता है डे टू डे कंडीशंस, यानी जो अपनी रोज़ कंडीशंस हैं चेंज होती रहती हैं। जैसे अगर आप अपने कल की बात करते हैं, कल अपना मौसम बड़ा अच्छा था, लेकिन अगर अपने परसों की बात करते हैं तो परसों कितनी ज़्यादा गर्मी थी, बहुत ज़्यादा गर्मी थी जो अपने को टॉलरेट भी नहीं हो रही थी। तो वेदर वाली कंडीशंस तो क्या होती है कि डे टू डे कंडीशन होती है। जैसे कल सुबह बरसात हुई लेकिन दोपहर को अपने देख रहे थे कि दोपहर को वापस से क्या था, धूप निकल गई थी। तो यानी जो डे टू डे कंडीशंस होती हैं उनको अपने क्या बोलते हैं, वेदर के नाम से जानते हैं। और क्लाइमेट का मतलब होता है कि जब अपने किसी भी मतलब एरिया का वेदर है, काफ़ी लंबे टाइम तक अपने उसका एरिया का वेदर है, उसको अपने मतलब उसका एवरेज निकालते हैं, तब उसको अपने क्या बोलते हैं, क्लाइमेट के नाम से जानते हैं। तो अपने क्लाइमेट कैसा है और अपने कैसे कपड़े पहनते हैं, तो ये अपने जो भी कपड़े पहनते हैं वो किसके ऊपर डिपेंड करते हैं, जो भी अपने कपड़े पहनते हैं वो किसके ऊपर डिपेंड करते हैं, हमारे क्लाइमेट के ऊपर डिपेंड करते हैं। समर के अंदर अपने क्या करते हैं, हमेशा लूज लाइट कलर्ड कॉटन क्लोथ्स पहनते हैं, क्योंकि कॉटन क्लोथ्स क्या करते हैं कि अपने अंदर से एयर को आराम से पास होने देते हैं, जिसके कारण से अपनी बॉडी के अंदर से हीट है वो एंटर नहीं कर पाती। वाइट कलर के, लाइट कलर के कपड़े पहनना शुरू करते हैं अपने गर्मियों के अंदर, क्योंकि वो अपनी बॉडी को क्या करते हैं, ठंडा करते हैं। इसके अलावा वो क्या करते हैं, जो लाइट कलर के कॉटन क्लोथ्स होते हैं वो हमारा स्वेट, पसीने को अब्जॉर्ब कर लेते हैं, अपने को स्किन के इरिटेशन से भी बचाते हैं। लेकिन गर्मियों के अंदर अपने ऐसा करते हैं, लेकिन सर्दियों के अंदर अपने बिल्कुल उल्टा करते हैं। सर्दियों के अंदर अपने थिक, मोटे, डार्क कलर के क्लोथ पहनना पसंद करते हैं, जो कि वूल के बने होते हैं, फर के, लेदर के बने होते हैं, क्योंकि ये अपनी बॉडी को क्या करते हैं, अपनी बॉडी के अंदर से हीट को बाहर नहीं पास होने देते, यानी अपनी बॉडी को प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं। तो डार्क कलर के क्लोथ हैं वो हीट भी ज़्यादा एब्जॉर्ब करते हैं और अपनी बॉडी को भी क्या रखते हैं, गर्म रखते हैं। रेनी सीजन के अंदर अपने क्या करते हैं, कॉटन क्लोथ। जैसे अब रेनी सीजन चल रहा है तो इस टाइम में बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी है, तो अपने क्या करते हैं, कॉटन क्लोथ कपड़े पहनना ही पसंद करते हैं। लेकिन इसके अलावा अपने क्या करते हैं, रेनकोट, अम्ब्रेला, गम बूट्स है अपने, उसको पहनना पसंद करते हैं। कब पसंद करते हैं, ताकि अपने आप को क्या कर सकें, अगर बरसात के अंदर भी अगर अपने को बाहर जाना है तो अपने आप को अपने क्या कर सकें कि पानी से प्रोटेक्ट, रेन से प्रोटेक्ट कर सकें। अब अपने बात करते हैं नेचुरल फाइबर की। नाम से ही पता लगता है नेचुरल फाइबर, यानी वो फाइबर जो नेचर से ऑब्टेन होता है उसको अपने क्या बोलते हैं, नेचुरल फाइबर के नाम से जानते हैं। कुछ अपने क्लोथ्स हैं एनिमल फाइबर से मिलते हैं, इसके अंदर जो अपने को नेचर से ऑब्टेन होते हैं। कुछ फाइबर्स हैं वो नेचुरल सोर्सेज से ऑब्टेन नहीं होते, उन फाइबर्स को बनाने के लिए अपने क्या करते हैं, केमिकल्स का यूज़ करते हैं।
तो केमिकल्स से जो भी फाइबर्स बनते हैं उनको अपने क्या बोलते हैं, सिंथेटिक फाइबर के नाम से जानते हैं। अब अपने बात करते हैं प्लांट फाइबर की। प्लांट अपना चैप्टर है एनिमल फाइबर, लेकिन कुछ प्लांट फाइबर के बारे में। इसके अंदर कॉटन, जिसका यूज़ अपने सारे टेक्सटाइल फाइबर्स के अंदर, फ्लैक्स, हेम्प, जूट, इनका यूज़ भी अपने करते हैं। जूट आपने सुना हुआ है, जिससे बोरी वगैरह बनती है। फ्लैक्स जो प्लांट होता है, ये ठंडे देशों में उगता है, जिससे जो ये लिनन का कपड़ा होता है वो बनता है। इसके अलावा जो बेस है प्लांट फाइबर का, यानी जो प्लांट फाइबर है उसका बेस क्या होता है, सेलुलोज होता है, जो अपने को सिर्फ और सिर्फ कहाँ से बनता है, प्लांट से ही ऑब्टेन होता है। सेलुलोज एक स्पेशल टाइप का कार्बोहाइड्रेट होता है, जो कि कल आपको रूमिनेंट्स के अंदर बताया था कि घास हम लोग नहीं खा सकते, क्योंकि घास के अंदर क्या होता है, सेलुलोज नाम का स्पेशल टाइप का कार्बोहाइड्रेट होता है, जो हमारी बॉडी डाइजेस्ट नहीं कर सकती। तो प्लांट फाइबर के अंदर भी क्या होता है कि जो मेनली होता है वो क्या होता है, सेलुलोज है, वही पाया जाता है। अब बात करते हैं एनिमल्स फाइबर्स की। एनिमल फाइबर के अंदर ये बोल रहे हैं कि अपने वुल, सिल्क है, इसके अंदर ये आ जाते हैं। वुल है अपने को फ्लीस ऑफ शिप, फ्लीस का मतलब होता है बालों से, शिप के बालों से ऑब्टेन होता है। इसके अलावा अपने को वुल है गोट या कैमल, रैबिट, इनसे मिलता है। सिल्क है जो अपने को कोकिन स्पिनिंग सिल्क वर्म, यानी स्पेशल तरह के सिल्क वर्म कीड़े होते हैं, उनसे अपने को मिलता है। एनिमल फाइबर है उसके अंदर प्रोटीन होता है, जैसे प्लांट फाइबर के अंदर सेलुलोज होता है, एनिमल फाइबर के अंदर क्या होता है, प्रोटीन होता है। कॉम्प्लेक्स कंपोनेंट होते हैं जो एनिमल्स की बॉडी के अंदर बनते हैं। अब आपको मैं एक छोटा सा एक्टिविटी वर्क दे देती हूँ। आप क्या करो कि क्लोथ के सैंपल भी आपको अपनी मम्मी से पूछ के आपके घरों में वूलन, सिल्क, कॉटन, सिंथेटिक फाइबर या मतलब जो भी है, जो भी आपकी मम्मा आपको बता देगी, ये लिनन का कपड़ा है, ये रियोन का कपड़ा है, इन सबको अपने क्या कर सकते हैं, मतलब आप अपनी कॉपी के अंदर क्या करोगे, नोटबुक के अंदर मतलब एक स्टिक करोगे आपको, आप ताकि पता लग जाए कि कौन से फाइबर की स्ट्रक्चर है वो कैसी होती है। अब अपने बात करते हैं वुल की। हेयर है जो एनिमल्स की बॉडी पर, जो वुल यील्डिंग एनिमल्स होते हैं उनकी बॉडी के ऊपर क्या होते हैं, हेयर होते हैं, जो क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा लोट ऑफ एयर, मतलब बहुत ज़्यादा एयर को क्या करते हैं, ट्रैप करके रखते हैं। एयर स्पेस होता है वुल फाइबर्स के अंदर, जिसके अंदर क्या होती है कि एयर पकड़ी जाती है, एयर पकड़ी जाती है, और एयर क्या होती है, बैड पुअर कंडक्टर ऑफ हीट होती है। ये आप नेक्स्ट चैप्टर के अंदर पढ़ोगे, जब आप चैप्टर पढ़ोगे तो उसके अंदर अपने पढ़ेंगे हीट का अंदर की जो एयर है वो क्या होती है, पुअर कंडक्टर ऑफ हीट होती है। यहाँ पर मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर मान लो आपने एक मोटा कपड़ा पहना है तो वो तो आपकी बॉडी के साथ टच करेगा, लेकिन अगर आपने दो पतले कपड़े पहने हैं तो दो पतले कपड़े पहने हैं तो दोनों पतलों कपड़ों के बीच में एक लेयर होगी, जहाँ पर क्या हो जाएगी, एयर हो जाएगी। और एयर क्या करती है, एक पुअर कंडक्टर ऑफ हीट होती है, तो वो ना तो तुम्हारी बॉडी के अंदर बाहर से मतलब ठंड को जाने देती है, और ना ही तुम्हारी बॉडी से क्या होता है कि हीट को बाहर निकलने देती। तो इसी कारण से जो वूलन के क्लोथ्स हैं वो अपने को क्या करते हैं, क्योंकि वूलन क्लोथ्स में वैसे भी क्या होते हैं, अगर मोटे वूलन के क्लोथ के पहने हैं, जैसे अपने ब्लैंकेट वगैरह करते हैं, तो उसके अंदर क्या हो जाती है, एयर ट्रैप हो जाती है। तो एयर बैड कंडक्टर होने के कारण से वो क्या होती है, अपने अंदर से हीट को पास नहीं होने देती। इस कारण से वूलन क्लोथ्स अपने को क्या करते हैं, गर्म रखते हैं, इसीलिए अपने वूलन क्लोथ्स को सर्दी में पहनते हैं। फ्लीस है, यानी जो फ्लीस का मतलब होता है हेयर, शिप के जो हेयर होते हैं वो टू टाइप के होते हैं, एक तो होते हैं कोर्स बियर्ड हेयर, कोर्स का मतलब होता है खुरदरे हेयर, और एक होता है फाइन एंड सॉफ्ट अंडर हेयर, यानी जो बिल्कुल स्किन के पास पाए जाते हैं, बिल्कुल बारीक और सॉफ्ट अंडर हेयर होते हैं, जो बिल्कुल स्किन के पास उगते हैं। अंडर हेयर है उनसे ही जो अपने को फाइबर मिलता है, उसका जो अपने वुल बनाने के लिए करते हैं। साइंटिस्ट जो शिप को ब्रीड करते हैं उन्होंने ऐसी वेराइटीज़ डेवलप कर ली है, मतलब क्रॉस ब्रीडिंग करवा कर, जिसके अंदर अपने को सिर्फ ऐसे ही बार मतलब हेयर मिलते हैं जो बिल्कुल सॉफ्ट अंडर हेयर होते हैं। तो इस तरह की शिप है, ना केवल अपने को बेटर क्वालिटी की वुल मिलती है, बल्कि अपने को क्या होता है कि यील्ड जो होती है, मतलब जो अपने शिप जो साइंटिस्ट ने तैयार किया है, ना तो उससे अच्छी क्वालिटी की वुल मिलती है, मतलब अच्छी क्वालिटी की वुल तो मिलती है, बल्कि उनसे वुल की जो पैदावार है वो भी क्या होती है, ज़्यादा होती है। इसके अलावा अदर टाइप्स ऑफ वुल, अदर टाइप ऑफ वुल के अंदर ये बोला है अल्पका, लामा और कैमल। अल्पाका, लामा और कैमल है, इनसे भी अपने को क्या मिलते हैं, बाल स्पन है इनके, हेयर्स को अपने स्पिन करके क्या करते हैं, कपड़े बनाते हैं। तो ये सारे के सारे जो एनिमल्स के मेंबर्स हैं वो कैमल फैमिली से हैं, अल्पाका, लामा, कैमल, ये सारे के सारे कैमल फैमिली के क्या हैं, मेंबर्स हैं। ये फाइबर्स हैं सॉफ्ट होते हैं, वार्म होते हैं और लाइट वेट के होते हैं। फिर है कैशमीरी, ये बहुत ही सॉफ्ट, रेसिलेंट और इजी टू डाई, मतलब
बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट होता है और इसको बड़े इजी वे में अलग अलग कलर्स के अंदर क्या किया जा सकता है, डाई किया जा सकता है। ये बहुत ही रेयर मिलता है, बहुत ही एक्सपेंसिव फाइबर है ये, मतलब अपने को कश्मीरी और अदर गोड से ऑब्टेन होता है, जो कि सिर्फ और सिर्फ कहाँ पर पाई जाती है, चाइना और तिब्बत। चाइना और तिब्बत, तिब्बत नाम सुना ना, चाइना, चाइना को तो बहुत नाम सुन रहे हो अभी आप, अपने वार की भी बातें चल रही हैं, तो चाइना और तिब्बत यहाँ से अपने को क्या मिलता है, ये कश्मीरी है, जो सॉफ्ट, जो इजी डाई फाइबर है ये अपने को मिल जाता है। ये बहुत ज़्यादा महंगा होता है। उसके बाद अपने बात करते हैं अंगोरा। अंगोरा भी एक गोट है या रैबिट बता रखा है इन्होंने कि अंगोरा, मैंने तो आज तक दूसरी बुक्स के अंदर क्या पढ़ा था, गोट पढ़ा था, अंगोरा जो कि अपने को अंगोरा रैबिट से मिलते हैं, उसका भी जो है हेयर होते हैं वो कैसे होते हैं, सॉफ्ट फ्लफी, फ्लफी फ्लफी का मतलब फूले हुए वार्म फाइबर्स होते हैं। उसके बाद ये बोल रहे हैं मोहेर, इन ये भी अंगोरा गोट से ऑब्टेन होता है, जो मतलब मैंने भी बोला था ना अंगोरा गेट, तो मोहेर कोई कपड़ा है जो अंगोरा गोट के फ्लिस से मिलता है, जो कि बहुत ही लाइट वेट होता है। अंगोरा गोट है ये भी हिली रीजन्स जैसे जम्मू कश्मीर है वहाँ पे पाई जाती है। मोहेर है वो अंगोरा गोट से मिलता है, और वाइल जो अंगोरा है, जो अंगोरा फाइबर होता है, यानी यहाँ पे इन्होंने दो नाम कर दिया, जो अंगोरा फाइबर है वो अंगोरा रैबिट से मिलता है, जबकि मोहेर है वो अंगोरा गोट से मिलता है, यानी दो अलग अलग तरह के फाइबर है। तो आपको कन्फ्यूज नहीं होना, अंगोरा है जो NCERT वाली बुक है उसके अंदर अंगोरा गोट के अंदर सिर्फ अंगोरा गोट ही लिख रखा है और अंगोरा फाइबर का नाम दे रखा है, लेकिन आज मैंने भी तुम्हारे साथ एक नई चीज़ सीखी है कि मोहेर जो है, मोहेर जो है वो अपने को अंगोरा गोट से मिलता है, जबकि अंगोरा जो वुल होती है वो अपने को कहाँ से मिलती है, अंगोरा रैबिट से मिलती है। स्टूडेंट्स हमेशा कुछ बातें होती हैं टीचर्स को भी सीखने के साथ ये मिलते हैं, क्योंकि अगर अपने नई बुक्स पढ़ते हैं तो उसके अंदर कुछ नया भी मिलता है। अब है फ्रॉम हेयर टू वुल। अब हेयर से वुल बनती कैसे है, सबसे पहले रीयरिंग। रीयरिंग का मतलब होता है पालना। शिप्स हैं वो क्या की जाती हैं, पाली जाती हैं वुल के लिए, उनको उन एरियाज में पाला जाता है जहाँ पर कम बरसात होती है। इंडिया के अंदर ये राजस्थान, लद्दाख, हिल्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, यहाँ पर भी देखो यहाँ पर तो बारिश हालांकि अच्छी होती है, लेकिन मतलब इन्होंने ये बोला है कि इंडिया के अंदर जैसे राजस्थान के अंदर भी पाली जाती है। आप लोगों ने बहुत बार वहाँ पे झुंड भी देखे होंगे इसके, गॉड के, शिप के। शिप्स हैं, इनका लाइफ स्पान है यानी जीवन काल है 10-12 ईयर होता है। ये ग्रास खाती हैं, लीव्स खाती हैं। रियर शिप्स हैं, इनको पल्सेस यानी दालें, कॉर्न, ज्वार, ऑयल केक्स, मिनरल्स। ऑयल केक्स क्या होता है, जब सरसों का तेल निकलता है उसके बाद जो सरसों का खल बोलते हैं इसको, सरसों का तेल के निकलने के बाद एक पपड़ी इस टाइप बच जाती है, इसको अपने ऑयल नॉर्मल लैंग्वेज के अंदर खल बोलते हैं, अपने आप लोगों को शायद पता भी होगा, इनसे ऑब्टेन होता है। विंटर के अंदर इनको अपने क्या करते हैं, गोट्स को मतलब शिप वगैरह को अंदर रखते हैं और उनको घर पे ही रखकर सूखा चारा, पत्तियां और अनाज दिया जाता है। तो ये हो गया सबसे पहले रीयरिंग, भेड़ों को पाला जाता है। उसके बाद होता है शेयरिंग। एक बार जब शिप के ऊपर बाल डेवलप हो जाते हैं तो उसके बाद क्या किया जाता है, उसके बालों को कट कर लिया जाता है, क्योंकि उन्हीं के बालों से अपने को क्या मिलती है, वुल है वो मिलती है। तो जो रिमूवल है वुल का शिप की बॉडी से, इसको अपने शेयरिंग बोलते हैं। इसको बड़े लार्ज स्केल पर रेजर से या शेयरिंग मशीन आती है वैसे ही होता है। शेयरिंग है हमेशा गर्मी में की जाती है, क्योंकि गर्मी के अंदर तुम्हें लोग जैसे वुलन क्लोथ नहीं पहनते तो वैसे ही वो क्या करेंगे, शिप को भी नुकसान ही पहुँचाते हैं वुलन क्लोथ। तो इस कारण से अपने गर्मी के अंदर ही हमेशा क्या किया जाता है, शेयरिंग का प्रोसेस किया जाता है। अब थर्ड प्रोसेस है स्कोरिंग। स्कोरिंग का मतलब क्या होता है, बच्चों देखो अब शिप है, तुम्हारी मम्मी तो तुम्हें नहला देती है, लेकिन अब शिप की मम्मी उसको बेचारी को कैसे नहलाएगी। तो शिप से इधर उधर लोग घूमती फिरती हैं डस्ट डर्ट के अंदर, जैसे तुम लोगों को मौका मिल जाए तो तुम भी मिट्टी के अंदर लोट लो ना, तो वो भी लोटती फिरती हैं, तो उनकी बॉडी के ऊपर क्या हो जाता है, डर्ट डस्ट मतलब जर्म्स हो जाते हैं। तो थर्ड प्रोसेस के अंदर क्या किया जाता है कि जो शिप के बाल काटे जाते हैं उन बालों को क्या किया जाता है कि सोपी वाटर के अंदर डर्ट डस्ट ग्रीस को रिमूव करने के लिए बड़े बड़े टैंक के अंदर धोया जाता है। इस प्रोसेस को अपने बोलते हैं स्कोरिंग। उसके बाद होता है शॉर्टिंग। शॉर्टिंग का मतलब होता है कि जो शिप विल इसके शिप के वूल वाल होते हैं वो क्या होते हैं, कुछ बड़े होते हैं कुछ छोटे होते हैं, अलग अलग बनावट के होते हैं। तो इन वालों को क्या किया जाता है, सेपरेट आउट किया जाता है। उसके बाद बुर, रिमूविंग बुर। बुर कई बार अपने देखते हैं कि अपने गर्मी सर्दी के अंदर कपड़े, जैसे आप लोग स्वेटर वगैरह पहन के सोते हैं तो आपकी नया स्वेटर होता है तो आपकी मम्मी कहती है मत पहन के सो, इसके ऊपर बुर आ जाएगी। वो छोटे छोटे से पतले पतले से ऊपर से ऐसे मतलब आ जाते हैं कपड़ों के ऊपर। तो बूर्स क्या होते हैं, सॉफ्ट फ्लफी फाइबर्स होते हैं
वूल के अंदर जो कि स्वेटर्स अपने पहनते हैं उनके ऊपर अपने को क्या होते हैं, अपीयर होते हैं, तो इनको मैनुअली रिमूव किया जाता है। उसके बाद है डाइंग। डाइंग के अंदर यानी जो अपने को मिल जाती है वूल, अपने को मिल जाती है मतलब जो अपने को वूल होती है वो वाइट ब्राउन या नेचुरल हेयर तो क्या होते हैं वाइट ब्राउन या ब्लैक कलर के होते हैं। इसको अलग अलग कलर के अंदर आपने अपने तो कपड़े अलग अलग कलर के पहनते हैं तो इसको अलग अलग कलर के अंदर क्या किया जाता है, डाई किया जाता है। फिर है यान। उसके बाद वूल को बिल्कुल स्ट्रेट किया जाता है, उसके ऊपर कोम कमगी की जाती है, उसको यान के अंदर फाइबर से यान बनाया जाता है और उसके बाद उसको स्पिनिंग की जाती है। फिर इसको या तो वोवन यानी कपड़े बना लिए जाते हैं या जैसे आपकी मम्मी के पास एक धागा होता है वूल वाला जिससे आपकी मम्मी क्या करती है खुद घर पर स्वेटर है वो बनती है। तो लॉन्गर फाइबर्स का यूज़ तो अपने क्या करते हैं घरों में स्वेटर बनाने के लिए करते हैं, शॉर्टर फाइबर है उसका यूज़ अपने क्या करते हैं वूलन क्लोथ बनाने के अंदर करते हैं। क्वालिटी है वो किसके ऊपर डिपेंड करती है, थिकनेस कितनी है, लेंथ कितनी है, शाइन कितनी है, स्ट्रेंथ कितनी है और फाइबर का कलर कौन सा है। सबसे बढ़िया क्वालिटी का लोही होती है, जो गुड क्वालिटी की वूल मिलती है अपने को। नाली जिससे अपने को मतलब ये ब्रीड जातियों के नाम है, लोही जिससे अपने को क्या मिलती है अच्छी क्वालिटी की वूल मिलती है। उसके बाद है ये है नाली जिससे अपने को कारपेट वूल मिलती है, पाखरवाल जिससे वूलन शॉल बनती है, मारवाड़ी जिससे कोर्स वूल मतलब खुदरी वूल मिलती है और पाटनवाड़ी जिससे होजी के कपड़े बनाए जाते हैं। अब स्टूडेंट्स कल अपने नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे सिल्क के बारे में। हैव ए नाइस डे।